नमस्कार। चोर वाड्रा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा प्रवासी मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया गया, इसको लेकर के अब बड़ा खुलासा हो चुका है। राहुल गांधी के फोटो सेशन वाले प्रोपगेंडे को फ्लॉप करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से 1000 बस से मजदूरों को भेजने की घटिया स्तर की राजनीति की गई, जिसको लेकर के रायबरेली की कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पार्टी लाइन से हटकर, या यूं कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर, प्रियंका गांधी वाड्रा को लताड़ लगाने का काम किया, जिसके बाद किसी भी कांग्रेसी नेता ने अदिति सिंह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन अब गांधी परिवार के आपसी कलह को सड़कों पर आते देख सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अदिति सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है, महिला विंग से निष्कासित कर दिया गया है। कुल मिलाकर के कांग्रेस से अदिति सिंह को निकालने का काम इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा कर दिया गया है। गांधी परिवार में आपसी जो कलह मची हुई है उसको लेकर के अब पार्टी से निकालने के बाद अदिति सिंह बड़ा खुलासा करेगी। निश्चित है सोनिया गांधी राहुल गांधी की काफी नजदीकी माने जाने वाली अदिति सिंह को अब पार्टी से निष्कासित करना सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, इस पूरे गांधी परिवार के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति यदि कांग्रेस के खिलाफ या फिर गांधी परिवार के खिलाफ कोई सवाल उठाएगा तो उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की लाइन रही है और इसी को देखते हुए अब अदिति सिंह को बाहर करने के बाद गांधी परिवार का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आने वाला है। क्योंकि अदिति सिंह, जिसने प्रियंका गांधी वाड्रा को लताड़ने का काम किया था, अब वो चुप बैठने वाली नहीं है। पार्टी से निकलने के बाद वो अब खुलासा करेगी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसने का, उसे लताड़ लगाने की राय उनकी तरफ से दी गई थी या दबाव बनाया गया था, इस पर अब बड़ा खुलासा होगा, जिसके बाद गांधी परिवार में आपसी घमासान काफी तेज होगा। क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में पहले से ही राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है और इसी राजनीतिक जंग के अंदर अदिति सिंह अब घी डालने का काम करेगी। वक्त बताएगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में कौन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। फिलहाल अदिति सिंह किस तरह का कदम आगे उठाने वाली है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।